नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। देश के लिए 5 अगस्त ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। इसका पहला कारण यह है कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से उस अनुच्छेद 370 और 35 को एक झटके में हमेशा के लिए जड़ से मिटा दिया था, जो देश की अखंडता को कमजोर करते थे। यह यूं कहें कि जिसके चलते पाक परस्ती जिहादी जम्मू कश्मीर में हिंसा की खेती करते थे और खुद को पाकिस्तान से जोड़कर अपनों पर ही पत्थरबाजी करते थे। तो ये 5 अगस्त देश के करोड़ों राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन भगवान राम की नगरी अयोध्या में 500 सालों के बड़े इंतजारों के बाद खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, जिसके साथ ही भारत में नए रामयुग का आरंभ हो जाएगा। ये सब देखकर भारत में बैठा नफरती गैंग और लिबरल गैंग तो बिलबिलाया हुआ ही है। साथ ही अब दुश्मन देश पाकिस्तान ने 5 अगस्त को भारत के खिलाफ साजिश रचने का लंबा चौड़ा प्लान बनाया है। दरअसल कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिससे पता चला है कि इमरान खान और भाजपा की कायर फौज ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए पूरा एजेंडा तैयार किया है, जिसके मुताबिक 5 अगस्त को इसे कई चरणों में अंजाम दिया जाएगा। सबका मकसद एक ही है, भारत के खिलाफ अशांति भड़काना। इसके तहत कश्मीरियों के साथ एकजुटता का ढोंग रचा जाएगा। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्रालय को सभी प्रमुख उर्दू और अंग्रेजी अखबारों में स्पेशल पेज के जरिए कवरेज करवाने का काम सौंपा गया है। इसके अलावा यह भी तय किया जाएगा कि भारत के कदम के खिलाफ विरोध के प्रतीक के रूप में 5 अगस्त को सभी पाकिस्तानी न्यूज चैनलों का लोगो ब्लैक कर दिया जाए। पाकिस्तान में सभी चैनलों को कश्मीर पर विशेष कार्यक्रम को प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा हिलाल का एक विशेष संस्करण और कश्मीरियों के लिए एक विशेष गीत भी कमीशन किया गया है। रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किए गए दस्तावेज में यह उल्लेख किया गया है कि पाक पीएम इमरान खान मुजफ्फराबाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा करेंगे। यहां वो भारत के खिलाफ संबोधित करेंगे और अनुच्छेद 370 को खोखला करने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के विरोध में बोलेंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव के संबंध में पर्चे बांटे जाएंगे जिसमें जनमत संग्रह का जिक्र है। पाकिस्तान के पब्लिक रिलेशन डिवीजन को भी लगभग 2 मिनट 28 सेकंड के प्रचार वीडियो को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें कथित भारतीय क्रूरताओं और कश्मीरियों का लचीलापन को दिखाया जाएगा। इसकी मेजबानी पाकिस्तान के पब्लिक रिलेशन डिवीजन, ISPR, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ISI और पब्लिकेशन डिवीजन कर रहे हैं। तो वही इस दिन पाक प्रशिक्षित आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, क्योंकि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की पहली सालगिरह है। इतना ही नहीं, इस दिन OIC और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति, मलेशिया के PM और चीनी फॉरेन ऑफिस को मेंशन करके ट्वीट और बयान जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे प्रोपेगंडा तमाशा में कश्मीरी मूल के पाकिस्तानी मूल्यों, पाकिस्तानी प्रचारकों और कुछ पाकिस्तानी समर्थक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भारत सरकार की आलोचना का वीडियो पैकेज भी शामिल है। वैसे भी इमरान खान ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के देशों के सामने रोना रोया, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। पाकिस्तान और इमरान खान की बात किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि पूरी दुनिया अब समझ चुकी है कि पाकिस्तान ही विश्व में आतंक का अड्डा है। फिर भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए ऐसे बयानों को वायरल करेगी जो अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ हिंदुस्तान के नेताओं की तरफ से दिए गए थे। खैर, पाकिस्तान चाहे जितनी दुष्टता दिखा ले, चाहे जितना दुष्प्रचार कर ले, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले कि कश्मीर को हमेशा के लिए भूलने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।